हेलो फ्रेंड्स, आइकॉन इंजीनियरिंग ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स में डिफरेंट क्या है, और दोनों को कैसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिक सिंटेक्स क्या होती है सी लैंग्वेज में, वेरिएबल्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में, और कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि ऑपरेटर्स के टोटल टाइप कितने हैं, कौन से ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होते हैं, वो सब आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। एक और बात, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम के रिलेटेड भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल उसमें प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, वो सब हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें कवर होने वाले हैं सिंटेक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। तो हम पहले बात करेंगे बेसिक सिंटेक्स होती क्या है सी लैंग्वेज में। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। अब इसमें क्या है, इंक्लूड stdio.h, उसका मतलब कि मैंने एक हेडर फाइल ऐड की है। अब हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड करते हैं हम, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं हम डिफरेंट वेरिएबल्स फंक्शंस को पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मतलब कोड में मैं किसी भी फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो वो सब पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, इंटीजर मेन, यहाँ से अपना कोड शुरू होगा, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, उसके बीच में हम पूरा कोड लिखेंगे। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। तो मैंने एक कंपाइलर यूज़ कर लिया है जिसमें मैं सी का प्रोग्राम लिख सकता हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टर्बो सी रहता है, वीएस कोड रहता है, मैं अभी ऑनलाइन सी कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है जैसे हमने देखा। अब हम वन बाय वन बात करेंगे अपने टॉपिक्स की। जैसे कि फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ डेटा टाइप्स की। अभी हम आज तीन डेटा टाइप्स की बात करेंगे। पहले तो एक रहा अपना इंटीजर, सेकंड होगा फ्लोट, एंड थर्ड होगा कैरेक्टर। पहले बात करेंगे हम अब इंटीजर की। इंटीजर डेटा टाइप यूज़ होता है, मतलब कि किसी भी न्यूमेरिक नंबर को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट पे आ रही है तो आप इंटीजर का यूज़ नहीं कर सकते, आप न्यूमेरिक नंबर को स्टोर करने के लिए इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं। अब इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं कि पहले हम लिखेंगे इंटीजर, फिर आपको जो भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर, जैसे कि अभी मैंने नाम दिया आई, तो आई में मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरी वैल्यू रहेगी 5, 6, 7, 8, कुछ भी रखना है। वैसे ही दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट। अभी हम आज फ्लोट के किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखे मैंने, ना कि कैरेक्टर को, तो हम आज इंटीजर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं बता दूँ कि फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है तो आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट्स की कुछ भी वैल्यू स्टोर करने के लिए आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। और थर्ड डेटा टाइप से कैरेक्टर, तो आप कैरेक्टर का यूज़ क्यों कर सकते हो, किसी भी सिंगल कैरेक्टर या लेटर्स को यूज़ करने के लिए आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। अपना सेकंड टाइप हो गया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, पहले तो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है। वेरिएबल एक नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। मतलब कि अगर आपने ये आई में 5 स्टोर किया, 5 दिया आपने आई को, तो आई को बोलते हैं हम वेरिएबल, जो कि उसमें स्टोर है वैल्यू। मतलब कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया गया है जिसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर रहती है। अब वेरिएबल का नेम, जैसे कि मैंने बोला, डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो पहले डेटा टाइप आएगी आपकी, फिर आपका आएगा वेरिएबल नेम, और फिर आपकी आएगी वैल्यू, जो आपको वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करनी है। जैसे कि मैं लिखूँ इंटीजर, फिर मैंने वेरिएबल का नेम दिया सी इज इक्वल टू, मैंने दी उसमें वैल्यू 10, तो सी हो गया मेरा वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल के नेम क्या क्या हो सकते हैं। कि वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स कंटेन करता है, डिजिट्स कंटेन करता है, और आप अंडरस्कोर
तो जैसा कि मैंने बोला, वेरिएबल अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। अब वेरिएबल का नेम हम कैसे लिख सकते हैं? आप वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हो या तो अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर से। अब दूसरी बात कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नेम, और आप उसमें स्पेसिंग नहीं रख सकते, वाइट स्पेस अलाउ नहीं करता वेरिएबल। तो आप समझ गए होगे कि वेरिएबल्स होते हैं क्या है, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वेरिएबल एक नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। जैसे कि मैंने 10 वैल्यू है ये सी में स्टोर किया, तो सी हो गया मेरा वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर्स, पहले तो ऑपरेटर्स के टाइप टोटल मैंने लिखे हुए, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये टाइप में से आज हम बात करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो ये सारे हो गए मेरे एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लस एडिशन, मतलब कि किसी भी दो वैल्यू को सम करने के लिए आप एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। वैसे भी हो गया सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूल साइन, प्लस प्लस और माइनस माइनस, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं सारे को। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर ऑपरेटर का यूज़ कैसे होता है। तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि सारे ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे होता है। तो ऑपरेटर्स से पहले मैं आपको एक और तीसरी चीज की बात बता दूँ, कमेंट्स। आखिर सी कमेंट्स क्या होती है? पहले तो सी कमेंट्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स, और सेकंड हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। अब अगर आपको किसी भी लाइन को कमेंट करना है प्रोग्राम में, जो लाइन की आपको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको लगा कि फ्यूचर में ज़रूरत होगी, या तो किसी भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसके ऊपर आपको कोई नोट्स लिखनी है जिससे आपको पता चले कि आपने ये चीज़ क्यों लिखी है, तो आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स, मतलब कि मुझे ये लाइन की ज़रूरत नहीं है तो मैं डबल स्लैश करूँगा, तो ये हो गई अपनी कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स। मतलब कि ये प्रोग्राम में तो है लेकिन ये प्रोग्राम पे इम्पेक्ट नहीं करेगा। अब हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब कि अगर मुझे पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स करनी है कि मुझे दो तीन लाइन ऐसी जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे ये तीन लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बात करता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स। तो क्या लिखूँगा मैं, स्लैश स्टार और जहाँ पर मुझे फिनिश करना है स्टार एंड स्लैश, मतलब कि स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, ये दोनों के बीच में जितने भी लाइन लिखोगे आप वो आपके प्रोग्राम में इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। डन, समझ गए आप सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होती है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, जो हमने बात की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। पहले तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर मुझे सिर्फ मेरा नेम प्रिंट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए क्या रहता है। तो उसके लिए आप एक यूज़ कर सकते हैं प्रिंटएफ फंक्शन का, प्रिंटएफ, इसके सिंटैक्स का प्रिंटएफ, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट, उसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी नहीं। मैंने लिखा ABC। अब आपने किया रन, अभी मुझे एरर दी गई। एरर क्यों दे गई? क्योंकि आप प्रोग्राम के स्टार्ट होने से एंड तक आप जो जो स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ पे आपको सेमी कॉलन करना पड़ेगा। वो कई जगह पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इफ वाइल वो सब यूज़ करें वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आप अभी इतना समझ लो कि आपको स्टेटमेंट एंड होने के बाद में सेमी कॉलन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सेमी कॉलन किया रन, तो मेरा नेम प्रिंट हो गया। अब मुझे कुछ और भी प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू लाइन लिखी, हम ABC ऐसी डमी वैल्यू नहीं डालते, जाऊँ कुछ अच्छी वैल्यू आइकॉन हम क्लासेस आइकॉन क्लास, ठीक है। तो अब मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो ये मिक्स आ गया। अब अगर मुझे इसको ऊपर नीचे लेना है तो कैसे ले सकता हूँ, मतलब कि मुझे एंटर देना है इंशर्ट, तो उसके लिए हम स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने बात किया कि मुझे अगर किसी भी लाइन के बाद में न्यू लाइन में लाना है अपना कोड या मैंने जो प्रिंट किया है वो, तो मैं स्लैश एन का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने स्लैश एन लिखा, मैं रन करूँगा तो आइकॉन नीचे क्लासेस। तो समझ गए किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए अपनी बेसिक सिंटैक्स है। अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। तो हम पहले बात करेंगे अपने, मैं एक कॉमेंट लिखता हूँ एडिशन। मैं एडिशन के लिए एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले मुझे दो वैल्यू चाहिए होगी जिसको मैं प्लस करूँगा। तो मैं एक पहले इंटीजर लूँगा, फिर मैं ए, वे एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने स्टोर किया 5 वैल्यू, एक दूसरा वेरिएबल लिया बी जिसमें मैंने स्टोर किया 8 वैल्यू। अब एक बात समझ लो कि अगर मुझे ये दोनों का प्लस करना है, ए प्लस बी, तो मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा कि जिसमें मैं इन दोनों की वैल्यू स्टोर करूँगा, जिसमें मुझे इसका सम रखना है। तो मैं एक थर्ड वेरिएबल लूँगा सम, और बाय डिफॉल्ट मैं सम में दूंगा 0 वैल्यू। अब सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब मैंने एडिशन का यूज़ किया वेरिएबल का। अब हम रन करेंगे, कुछ भी नहीं मिला हमें। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा सम तो हो गया बट हमने प्रिंट नहीं किया कहीं पे सम को। हमें सम को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो प्रिंटएफ की मैंने सिंटैक्स क्या बताया आपको, प्रिंटएफ ब्रैकेट ब्रैकेट। अब एक और चीज़, अगर आपने इंटीजर लिया है और आपको किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवानी है जो आपने कहीं पे स्टोर कराई है, तो आपको परसेंटेज डी का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया परसेंटेज डी, फिर ब्रैक कॉमा के बाहर आके कॉमा एंड आपको जो भी वेरिएबल को प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे सम प्रिंट करना है तो सम। अब मैंने किया सेमीकोलन, रन हो गया है, 5 + 8 = 13। अब 13 क्या है किसको क्या पता, मुझे कुछ मैसेज देना है कि आगे 13 है क्या। तो मैं इसके आगे ऐसे लिख सकता हूँ कि सम इज इक्वल टू, मतलब कि सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट होगी अपनी सम वेरिएबल की वैल्यू, रन। तो सम इज इक्वल टू 13। तो ये प्रिंटएफ की सिंटैक्स है। तो आप समझ के कैसे होता है। अब हम दूसरा देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मैं मल्टीप्लिकेशन एक नए वेरिएबल में स्टोर करूँगा। मैं मल्टी करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, क्योंकि अगर 0 लूँगा तो किसी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, अब मैं दोनों प्रिंट करना चाहता हूँ, सम और मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट एफ, जैसे कि आपने ब्रैकेट किया, यहाँ पे मैंने पहले सम प्रिंट करो, सम इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, परसेंटेज डी आएगा किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, सम, और मुझे प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज भी, मतलब अब यहाँ पे आएगा मेरा वेरिएबल जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन को स्टोर किया है, मतलब कि मल्टी। अब मैं करूँगा, तो हो गए सम 13 मल्टीप्लिकेशन 40, 8 × 5। अब मैंने क्या बोला था, मुझे नई नई लाइन में चाहिए कि जिससे पता चले कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे 13 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में मुझे एंटर चाहिए। तो 13 कहाँ पे, यहाँ से प्रिंट हो रहा है परसेंटेज डी से, तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लैश एन, जैसे कि मैंने बोला स्लैश एन एंटर के लिए यूज होता है, सम मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही आप समझ गए, वैसे ही आप सम सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, उसका क्या यूज है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। जैसे कि अभी मैं ये सब निकाल देता हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू ए इज इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे दिया ए प्लस प्लस, ये हो गया इंक्रीमेंटल अपना, सेमी कोलन। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए को, प्रिंट एफ ए की वैल्यू में, मतलब परसेंटेज डी जो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, और वेरिएबल ए, और मैं रन करता हूँ,
तो जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ए की वैल्यू फ्लाई दी है, इसको ए में प्लस प्लस किया और इसको प्रिंट कर दिया ए को, तो इसका सेम मीनिंग ये रहता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन इंक्रीमेंट बाय वन। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू 6 प्रिंट हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया। अब सेम हम बात करेंगे अगर ये माइनस माइनस है तो क्या, इसको कमेंट कर देते। अब मैं रन करता हूँ, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 4। इसका सेम मीनिंग ये होगा ए माइनस माइनस का कि ए की वैल्यू में हम एक माइनस करेंगे। तो समझ आ गया आपको कि आखिर क्या होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा कि आखिर बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है सी में, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल क्या है और ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। आगे हम सारे ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे कि आखिर कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखा कैसे जाता है, इफ, नेस्टेड इफ, वो सारी हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।